मैं हूँ सानिया इदरीसी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश के बाद अब महाराष्ट्र में भी लव जिहाद पर सरकार जल्द नया कानून बनाने की तैयारी में है। महाराष्ट्र सरकार 10 सदस्य कमेटी का गठन करेगी जो इस मुद्दे पर काम करेगी और पीड़ित लड़कियों को वापस उनके घर पहुंचाने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आसिम आजमी ने कहा है कि सरकार को अगर लव जिहाद पर कानून बनाना है तो बनाए, लेकिन इसमें से जिहाद शब्द को हटा दिया जाए। जिहाद एक पवित्र शब्द है, मैं इसको लेकर कई किताबें सरकार को दिखा सकता। अच्छा है ये कानून बनता है तो कई परिवार अपने धर्म से अलग धर्म की लड़की को अपने घर नहीं लाना चाहता है और ना ही दूसरे के धर्म में अपनी लड़की की शादी करना चाहता होगा। सुनिए इस पूरे मामले में अबू आजमी ने क्या कहा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है कि भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह लव जिहाद के खिलाफ जिहाद प्रिवेंशन कानून बना, उसी तरह से महाराष्ट्र में बनना चाहिए। सबसे पहले मैं महाराष्ट्र के उप मंत्री जो पढ़े लिखे आदमी है उनसे कहना चाहता हूँ, आप लव जिहाद से जिहाद को निकाल दीजिए। जिहाद एक बहुत ही रिस्पेक्टेड वर्ड लफ्ज है, मैं इस पे आपको कई किताबें दे सकता हूँ। जिहाद को लुच्चे लफंगों जो जो किसी की बहन बेटियों को से शादी करें और वो धोखे से करें, ऐसी जगह पर जिहाद को इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा जुल्म है जिहाद लफ्ज के साथ। आप जरूर कानून बनाइए, मगर मैं आपसे पूछूं कि सर, आज तक आपने किसी मुस्लिम जमात या किसी मुसलमान से ये सुना क्या कि जाओ हिंदू लड़कियों से शादी करो और बेटी बचाओ बहू लाओ के नाम से उनका धर्म परिवर्तन करो और जो करेगा ये काम उसको हम 2,00,000 रुपया देंगे, आज तक आपने सुना? लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा स्टेटमेंट। आगरा के अंदर कबाड़ी लोग बैठे थे, उनको ले जाकर कहा ये हिंदू बन गए, धर्म परिवर्तन। इस तरह से बहुत सारी लड़कियों, मुस्लिम लड़कियों को जो है हिंदू बनाया गया, शादी की गई, 18 साल की उम्र के बाद सब आजाद हैं, कोई भी कुछ कर सकता है। आप ये कानून बनाइए, मैं समझता हूं कि इससे बहुत सारे परिवार को, उनके मां बाप को खुशी होगी कि वो अगर हिंदू हैं तो उनके घर में कोई मुस्लिम लड़की ना आने पाए, और अगर वो मुस्लिम हैं तो उनके घर में हिंदू लड़की ना आने पाए। जो उनका उनकी संस्कृति है, जो उनका रवाज है, उसे खराब होता है। अब बनाइए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के कानून के ने 18 साल की उम्र के बाद लोगों को आजादी दी है, उस आजादी को खत्म कीजिए, मुझे खुशी होगी। मैं नहीं समझता हूं कि कोई शख्स ये बहुत खुश होगा कि किसी और धर्म की लड़की को लाकर शादी की जाए,